गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? आज अपने 10th क्लास क्षितिज का पहला पार्ट सूरदास, ये आपका पहला पार्ट है। कल अपने कवि परिचय के बारे में बताया था, पाठ परिचय के बारे में, और कल अपने पहला पद भी आपको करवाया था, ठीक है। और इसके अलावा आपको प्रसंग सहप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है, तो व्याख्या के बारे में बताया था कि प्रसंग कोई पैरा आता है तो उसका प्रसंग चेंज हो जाएगा, कि उस पैरे में किसके बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, ठीक है। तो आज अपने दूसरा पैरा करते हैं शुरुआत, तो जरा देखना, ध्यान से देखना। मधुकर श्याम हमारे चोर। अब ऊपर वाले पैरे में, तो पहले पैरे में, पहले पद में क्या था? श्री कृष्ण और राधिका का संवाद था, ठीक है। अब जो दूसरा पैरा है आपका, दूसरा पद है जो, उसके अंदर गोपियों का और उद्धव का संवाद है। उद्धव एक योग निर्गुण योग संदेश देने के लिए श्री कृष्ण उसको गोपियों के पास भेजते हैं, और उसको भी अपने निर्गुण संदेश निर्गुण योग ज्ञान पे क्या है, थोड़ा अभिमान था, और वो अभिमान गोपियों के सामने उसका चूर चूर हो जाता है। तो दूसरे पैरे में बात करते हैं आज, मधुकर श्याम हमारे चोर। अब मधुकर श्याम हमारे चोर, ठीक है। मधुकर शब्द यहाँ उद्धव के लिए आया है, अंडरलाइन करना। श्याम हमारे चोर, श्याम श्री कृष्ण गोपियों के पास उद्धव योग संदेश लेकर के आता है कि अब श्री कृष्ण को आप भूल जाइए, श्री कृष्ण यहाँ नहीं आएंगे वापस, तो आप योग संदेश योग में ध्यान लीजिए और परमात्मा से अपने मोक्ष प्राप्त कीजिए। तो गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, मन हरि लियो तनक चितवन में, तनक जरा सी चितवन दृष्टि से, यानी चपल नैन की कोर। चपल माने चंचल होता है, नैन माने नेत्र, और कोर माने होते कोने। अब गोपियां श्री उद्धव को कहती है कि श्री कृष्ण हमारे चोर है, उन्होंने जरा सी दृष्टि से और अपने चंचल नेत्रों की कोनों से हमारे मन को हर लिया, यानी कि हमारे मन को अपने वंश में कर लिया। पकड़े यानी पकड़ना, पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जो, प्रीति मन प्रेम, ठीक है। गोपियां उद्धव से कहती है कि हमने अपने मन से हृदय से श्री कृष्ण को अपने प्रेम में जकड़ लिया है, गए छुड़ाए तोड़ी सब दे बंधन, यानी कि श्री कृष्ण यहाँ से सारे बंधन तोड़ करके चले गए मथुरा, दे गए हंसनी अकोर। हंसनी माने हंसी, अकोर का मतलब होता है रिश्वत, ठीक है। तो इस शब्द को अंडरलाइन करना, हंसनी अकोर। तो इसके अंदर आपका अलंकार रूपक अलंकार है, यानी कि हंसी रूपी रिश्वत। दोबारा सुनिएगा कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए, यहाँ सारे बंधन तोड़ करके यहाँ से मथुरा चले गए, और हमारे को मीठी मीठी हंसी रूपी रिश्वत दे करके चले गए। चौकी पड़ी जागी निसी बीती, जागत निसी बीती, निसी माने रात्रि, यानी जब हमारे को पता चला तो रात्रि को हम चौंक करके जाग पड़ी, दूत मिले एक भोर, और हमारे को एक दूत उनका सवेरे प्रातः काल में हमारे उनका एक दूत हमारे को मिला, सूरदास पर गो सब्र सुलूट्यो। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हमारे को सब प्रकार से लूटा, नागल नवल किशोर, नागर नवल किशोर, नागर माने होता चतुर, और नवल किशोर आया है श्री कृष्ण के लिए। यानी कि गोपियां उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण चतुर श्री कृष्ण ने हमारा सब प्रकार से हमारे सब कुछ लूट करके चले गए, यानी हमारा सब कुछ लूट। तो इसके अंदर वही आपको लिखना है विशेष के अंदर, ठीक है। तो प्रसंग में लिखोगे कि गोपियों ने उद्धव को श्री कृष्ण पर व्यंग्य चुटीले व्यंग्य किए हैं, व्याख्या हो जाएगी। व्याख्या के बाद विशेष में भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। शैली है तो व्यंग्यात्मक शैली, क्योंकि इसमें व्यंग्य किया गया है तो व्यंग्यात्मक या प्रतीकात्मक शैली भी कह सकते हैं, क्योंकि भौरे का एक प्रतीक बना करके उन्होंने व्यंग्य किया है,
तो प्रतीकात्मक शैली, ये व्यंग्यात्मक शैली, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग। अलंकार, तो अलंकार इसमें हसनी अकोर में रूपक अलंकार है, ठीक है। अब तीसरा पैरा देखिए, संदेशनी मधुबन कूप भरे। संदेशनी माने संदेश, से मधुबन माने होती है मथुरा, लिख लेना। मधुबन कूप माने कुएं भरे माने भरे। अब गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव, हमने श्री कृष्ण को इतने संदेश भेजे कि मथुरा के सारे कुएं भर गए। अपने तो पठवत नहीं मोहत, हमरे फिरी न फेरे। पठवत माने भेजना, मोहन श्री कृष्ण के लिए आया है कि हे उद्धव, हमने इतने संदेश भेजे हैं कि मथुरा के सारे कुएं भर गए, और जो भी वहां पानी लेने के लिए औरतें जाती है तो वो एक नया संदेश लेकर घर पर आती है, ठीक है, कि पूरे मथुरा में हमारे संदेश फैल गए। और मोहन श्री कृष्ण हमारे को तो कोई संदेश भेजते नहीं है, और जो हम भेजते हैं संदेश उनका वो कोई उत्तर नहीं देते, ना कोई जवाब देते हैं। जीते पथिक पठे मधुबन को, पठे माने गए, पथिक माने यात्री, यानी जितने भी यात्री मथुरा को जाते थे हमने उनको संदेश भेजा, बहुरी ने शोध करे, यानी कि वो वापस लौट करके नहीं आए। केवे शाम सिखाई प्रमोदे, प्रमोदे होता है वंश में करना, वंश में करना अपने, ठीक है। अब गोपियां ये संदेह व्यक्त कर रही है, इस पूरे पैरे में आपका संदेह अलंकार भी है। गोपियां कहती है कि क्या श्री कृष्ण ने उनको सिखा करके अपने वंश में कर लिया, के कहूं बीच में रे, या वो रस्ते में ही मर गए कहीं। या तो श्री कृष्ण ने उनको सिखा करके अपने वंश में कर लिया, या फिर वो कहीं बीच रस्ते में ही मर गए, इसीलिए तो वो लौट करके वापस नहीं आए। कागज गरे मेष मसी खूंटी, कागज माने कागज, गरे माने गलना, मेघ माने बादल होता है, और मसी माने शाही, खूंटी, खूंटी मतलब समाप्त होना, खत्म होना। सरदव लागे जरे, सरदव, सर माने होते सरकंडे, दव का मतलब होता दावाग्नि, यानी जंगल की अग्नि को। लागे जरे, जरे माने जलना। अब गोपियां एक अनुमान व्यक्त करती है कि श्री कृष्ण ने हमारे को संदेश क्यों नहीं भेजे, हो सकता है कागज गरे मेघ मसी खूंटी, यानी कि वहां बारिश से सारे कागज थे मथुरा के वो क्या है, गल चुके, या फिर कागज पर कलम से जो शाही, शाही के द्वारा लिखा जाता है, या वो शाही समाप्त हो गई, या फिर सर यानी जिस सरकंडे, या जिस सरकंडे की कलम होती है, यानी कि जिस कलम से वो संदेश लिखते थे, वो सरकंडे अग्नि में, जंगल की अग्नि में जल करके राख हो गई या जल गई, इसलिए उन्होंने हमारे को संदेश नहीं लिखा। सेवक सूर्य लेखन को आंधो पलक कपाट आए, सेवक सूर्य लेखन को। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि या फिर जो श्री कृष्ण का सेवक है, अंतरंग जो सेवक है, जो संदेश लिखता है, या तो वो अंधा है। पलक कपाट अरे, पलक माने पलके होती है, कपाट माने किवाड़, यानी कि या तो फिर वो अंधा है, या फिर उनकी पलक रूपी किवाड़ है वो हमेशा के लिए बंद हो गई, इसलिए उसने संदेश, श्री कृष्ण ने हमारे को संदेश नहीं भेजे। तो इसमें विशेष मैं आपको बता देता हूँ, साहित्यिक शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग, शैली वही शैली व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग, और इसमें अब अलंकारिक शैली भी लिख सकते हो, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब पलक कपाट है, तो पलक रूपी कपाट यानी कि रूपक अलंकार, ठीक है। अब अपने तीसरा पैरा है इसका, चौथा पैरा वो देखते हैं, उदो मन माने की बात। अब गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, ये तो मन लगने की बात है या मन माने की बात है। दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, यानी कि दाग माने दाग किशमिश, छुआरा मीठा मेवा, छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात यानी जो विष का कीड़ा होता है वो दाग और छुआरे जैसे अमृत फलों को छोड़ करके विष को ही खाता है, क्योंकि उसका मन विष में लगा रहता है। जो चकोर को दे कपूर को तजी अंगार अंगात, यानी कि जिस प्रकार कोई अगर चकोर नामक एक पक्षी होता है, उसको अगर कोई शीतल कपूर दे तो वो उसको त्याग करके क्या करता है,
अंगारे ही खाता है, क्योंकि वो अंगारे खाने में उसको अच्छे लगते हैं, अंगारे में उसका मन लगता है, उसको शीतल कपूर से कोई मतलब है नहीं। मधुप करत गर फोरी काठ बदत कमल के पात, मधुप माने होता पमरा, करत गर फोरी काठ फोड़ना, फोरी मतलब फोड़ना, काठ माने होती लकड़ी, बंधत कमल के पात, बंधत माने बंधना, कमल माने कमल, पात माने पत्ती। अब गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव ये मन लगने की बात है, जिसका जिसको जो सुहाता है वही उसको अच्छा लगता है, जिस प्रकार मधुक माने बावरा होता है, बावरा यानी कि काठ लकड़ी, जो लकड़ी कठिन होती है उसके अंदर छेद करके अपना घर बनाता है, ठीक है, उसको छेद करके उसके अंदर अपना घर बना लेता है, और वही बावरा जो कमल के पत्ते होते हैं बिल्कुल कोमल होते हैं उसके अंदर बंध जाता है। क्यों? यानी कि एक तरफ तो वो लकड़ी के अंदर छेद करके उसके अंदर घर बना सकता है, उसको छेद सकता है, और दूसरी तरफ वो कमल के कितने नाजुक कोमल पत्ते होते हैं उनके अंदर भी बन जाता है, क्योंकि वो उसको अच्छे लगते हैं, ठीक है। जो पतंग हित जाने आपने दीपक सो लपटा, और जिस प्रकार पतंगा होता है उसको पता है कि मैं दीपक या अग्नि के पास जाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी वो दीपक से प्रेम करता है और अंततः अपने दीपक में जान दे देता है और दीपक से निपट जाता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहाग। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है उद्धव से कि हे उद्धव जाको मन जासो, जिसका मन जैसा है सो तो ही स्वाद, उसको वैसा ही सुहाता है, ठीक है। तो विशेष में आप लिखोगे कि इसमें भावात्मक शैली लिखोगे, और दूसरा इसमें भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग, और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और दूसरा इसमें उदाहरण अलंकार, ठीक है, एक उदाहरण दे करके दूसरा उदाहरण उसके रूप में दिया गया है, जैसे कमल का, विष कीड़ा का, मधुप का, ये जो चकोर पक्षी का ये उदाहरण दिया गया, तो इसमें उदाहरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और एक दृष्टांत अलंकार भी है इसमें, ठीक है। तो अब ये आपके पद तीनों हो, चारों हो गए कंप्लीट, तो कल अपने नेक्स्ट इसका करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, और आप घर पे नियमित स्टडी करना, जो आपको व्याख्या करवाई गई है उसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप बताना, और इसकी व्याख्या घर पे पढ़ना अच्छी तरह, कोई लाइन में कोई शब्द में कहीं भी दिक्कत हो तो बताना, और इसका वर्क आप इसका वर्क करते रहना, और साथ साथ में लर्न भी याद भी करते रहना, क्योंकि जो जुलाई में आपका कोर्स करवाया जा रहा है प्रथम परख का, उसका अगस्त में टेस्ट होगा और आपकी कॉपियां भी चेक की जाएगी, और कल अपने इसके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे, और फिर अपने दूसरा लेसन है तुलसीदास वाला वो अपने करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।